आज की इस वीडियो में हम एक और छोटा सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे तीन टेस्ट ट्यूब हैं। पहले टेस्ट ट्यूब में मैं नॉर्मल वाटर ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद सेकंड टेस्ट ट्यूब है उसमें हम गर्म पानी ऐड कर रहे हैं और हॉट वाटर के ऊपर हम ऑयल वो ऐड कर रहे हैं, और तीसरे टेस्ट ट्यूब को हम खाली छोड़ देते हैं। तीनों के अंदर क्या करना है, हमें एक एक आयरन नेल डाल देनी है। जो टेस्ट ट्यूब सी है हमारे पास वो खाली है, जो ऊपर हमने थोड़ा सा कॉटन इंसर्ट कर दी, ठीक है। अब इन तीनों टेस्ट ट्यूब को कम्प्लीटली ऊपर से ढकने वाले हैं और अब हम इसको एज इट इज छोड़ने वाले हैं अगले एक दो दिन के लिए। तो तीन दिन अब हमें कंप्लीट हो गए हैं और तीनों के रिजल्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब है, इसमें जो है रस्टिंग हो गई है, मतलब इतनी हुई है कि पानी का कलर में ही आपको दिख रहा है कि रस्टिंग हो गई है। तो एयर और वाटर के साथ में एक्सपोज होने के बाद इस पर रस्टिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी नेल थी मेरे पास, यहाँ पे वाटर में एक्सपोज है नेल, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमने क्या किया था, ऑयल ऐड कर दिया था, तो इसलिए इसमें क्या हुआ, रस्टिंग नहीं हुई। तीसरा रिजल्ट है जो खाली टेस्ट ट्यूब में थी, इसमें पार्शियली रस्टिंग हुई है। आयरन में रस्टिंग होने के लिए पानी और एयर दोनों की प्रेजेंस जरूरी होती है।